हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम हो चुकी है, 7:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। पूरे दिन मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो रात में ही तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो पाता है। तो बस हम अपनी इन बेबीज से खेल रहे थे, एक सो रही हैं और दूसरी ये हैं और तीसरी ये रही। तो बस ये टाइम इनका ही होता है, इनसे खेलना कूदना होता है, क्योंकि ये बोलते हैं खुद के खेलो मेरे साथ, मुझे निकालो। बस थोड़ी देर में इनके साथ खेलूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए भाग जाऊंगी अपने सिस्टर के साथ। चोट कर पाए तो करूंगी, नहीं तो फिर डिनर पे मिलते हैं। सुबह के 7:45 हो रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है ये फ्रेंच टोस्ट और चाय, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं खाती हूँ, मिलती हूँ, क्योंकि मैं नींद में हूँ बहुत ज़्यादा। तो खाने के बाद आपसे रात को मिलती हूँ। गाइस, आज हमारे घर में बन रही है आलू की टिक्की। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट हम अपने लिए बना रहे हैं, तो हमारा यही स्टाइल है। तो यहाँ ये बैटर है हमारा आलू की टिक्की का, ये बनी हुई है और यहाँ फ्राई हो रही है गरम गरम, क्रिस्पी क्रिस्पी। और यहाँ चाय भी बन रही है और यहाँ गोश्त भी धुल रहा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बनेगा स्टू, तो उसके लिए ये गोश्त धुल रहा है। तो ये बन चुकी है, ये डबल फ्राई करने की वजह से इसलिए ऐसी हो गई, वरना ये परफेक्ट थी। तो ये आलू की टिक्की अब हम खाएंगे दही वाली ग्रीन चटनी के साथ। अरे आ जा भी। गरम गरम धुआं निकल रहा है। क्रंच की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही यम्मी है। तो मैं इसे इंजॉय करती हूँ खा के, चाय वगैरह पी के, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने आपको बताया हमारे घर में बनने वाला है स्टू, तो उसकी तैयारी हो रही, क्योंकि स्टू में सब मतलब मसाले ज़्यादा डलते हैं और खड़े मसाले डलते हैं मोटे मोटे, तो प्याज उसके अंदर ज़्यादा डलती है। तो प्याज की कटिंग हो रही है, टमाटर कटेंगे, लहसुन छिला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जितनी प्याज दिख रही है वही सब डाली जाएगी, इसमें से थोड़ी बहुत डलेगी ना, करने के बाद डलेगी। अभी काटने के बाद छीलने के बाद देखेंगे कितना लगता है डालना है, वो गोश्त के हिसाब से फिर उतनी डलेगी। अभी यहाँ पे इसकी सब तैयारी हो रही है, छिले जा रही है, यहाँ पे काट के कटिंग होगी और हरी मिर्च वगैरह सब खड़ी खड़ी मतलब एक में से दो करके डालनी होती है। बाकी जो भी सब डलता रहेगा मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। पूरी रेसिपी नहीं है ये, बट मैं आपको थोड़े बहुत क्लिप्स मतलब दिखा रही हूँ बिटवीन, तो अगर आपको पूरी चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना मैं कभी आपको फुल रेसिपी भी दिखा दूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे सपोर्ट दिखाते रहिए। वैसे माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बट और मुझे चाहिए कि आप लोग पूरी पूरी वीडियो देखें और लाइक भी करके सब्सक्राइब करें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्टू बन रहा है, तो उसके लिए सब ये प्याज कट चुकी है। कितनी प्याज थी? आधे किलो ये प्याज थी और इसके अंदर टमाटर डले हैं मोटे मोटे, और साबुत मिर्च होती है वो है, नमक है, ये यहाँ पे काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लहसुन कुटी हुई मिर्च, धनिया, हल्दी, ज़ीरा, तो ये सब मसाला मतलब प्रॉपर गरम मसाला है इसके अंदर। और ये टमाटर वाला सब देख रहे हो आप मोटा मोटा कटता है इसके अंदर, क्योंकि स्टू के अंदर यही चीज़ें मेन होती हैं, तो ये सब मोटा मोटा ही तलता है। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये गोश्त है, इसके अंदर डल रहा है लहसुन, तेल था नहीं, तेल में और गोश्त और लहसुन, इसकी भुनाई होती है अच्छे से। लहसुन डालने से, लहसुन डाल के भुनने से क्या होता है, जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो चली जाती है और अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है।
तो इसकी गोश्त की अच्छे से लहसुन डाल के बुनाई करो, जितनी अच्छी बुनाई करोगे उतना अच्छा बनेगा। तो चलो बन रहा है, ये तैयार होता है और दही भी डलेगी गाइस, और ये दही भी इसी के अंदर डल जाएगी हमारे मसालों के अंदर, हरी मिर्च भी डलेगी साबुत, वो बाद में डलते हैं क्योंकि वरना अगर हम वो अभी डाल देंगे तो वो घुल जाएगी। रेड चिलीज तो ये ड्राई वाली है तो ये इतना घुलती नहीं है, ऐसी ही रहती हैं। तो ये सब मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हैं, ये सब ऐसे ही, और हरी मिर्च हैं ये रही जो अभी नहीं डलेंगी बाद में डलेंगी, और अदरक भी होगी इसके अंदर कटी हुई, तो अदरक भी कटी हुई डली हुई इसके अंदर, मसाले डले हुए हैं तो वो ढक गया सब सामान। तो देख सकते हैं आप सब लोग, गोश्त मैंने आपको दिखा दिया, उसके लहसुन से भुनाई होगी, भुनाई होने के बाद फिर ये सब मसाले डलेंगे, फिर इसकी थोड़ी भुनाई होगी अच्छे से जब तक मसाले पकना जाए, देन फिर मैं आपको रेडी होने के बाद दिखाती हूँ। ये भुनाई हो चुकी है, अब इसमें हमने हरी मिर्च वगैरह भी डाल दिए। मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैंने प्रॉपर पूरा नहीं दिखाया, अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बनता तो बहुत टेस्टी है, लाजवाब है, ज़बरदस्त है। तो अभी ये बन रहा है, अब इसकी थोड़ी और भुनाई होगी क्योंकि आप जैसे आपको दिख रहा होगा अभी इसके अंदर पानी है, तो थोड़ा ही अच्छे से इसकी भुनाई होगी फिर ये रेडी है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे खाने के टाइम पे, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, बार बार बोल रही हूँ बिना लाइक करे मत जाना और पूरा वॉच करना। अब ये रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो ये बन चुका है पूरा, अब खाने के लिए रेडी है। तो अब किसका इंतज़ार है, अब इंतज़ार है बाहर की गर्मा गर्म तंदूरी रोटी का, तो अब बाहर की रोटी आएगी तब हम डिनर करेंगे। तो हम मिलते हैं अब आपसे डिनर में। तो गाइस खाना खाना हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है, अब खा के देखते हैं कैसा बना है। तो अब हम इसमें डालेंगे नींबू खट्टा खट्टा और मैं खाऊंगी राइस के अंदर डाल के, क्योंकि मुझे राइस के साथ अच्छा लगता है, कल बने थे रखे हुए थे तो नहीं कल नहीं दोपहर को, तो मैंने सोचा इसी के साथ ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है, रोटी के साथ तो ट्राई कर रही है। और इसके साथ आई है तंदूरी रोटी, आ गई। तो ये रही हमारी तंदूरी रोटी गरम गरम, अब हम खाते हैं और इंजॉय करते हैं।